खंडवा जिले के मुंदी नगर में बुधवार को मीटिंग होने के बाद प्रशासन ने गुरुवार से शक्ति बरती और शाम होते ही एसडीएम मुंदी के माता चौक पहुंचे। उन्होंने नायब तहसीलदार और सीएमओ के साथ सड़क पर उतरकर माता चौक से बस स्टैंड पर पैदल भ्रमण किया और राह में मिलने वाले हर आने जाने वालों को रोका। जो अनावश्यक घूमते पाए गए उनको चालान बनाकर दंडित किया गया। अधिकांश लोगों को कड़ी चेतावनी दी कि आइंदा बेवजह घूमते मिलोगे तो कठोर कार्यवाही होगी। इस बीच एक फोर व्हीलर को रोका गया और पूछताछ की तो वाहन में सवार लोगों ने कहा कि बारात ले जा रहे हैं, परमिशन मांगी तो बगल झांकने लगे। इस बीच एसडीएम ने कड़ा रुख अख्तियार किया तो पता चला कि जिसे दूल्हा बताकर बारात ले जाना बताया जा रहा है वह दूल्हा फर्जी था। वाहन में कोविड निर्देश से ज्यादा लोग बैठे थे। गाड़ी थाने खड़ी कराने की चेतावनी दी तो कथित दूल्हे प्रदीप बमनारे ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी और यह उजागर किया कि उसने माला पहनकर टीका लगाकर दूल्हे का फर्जी रूप धारण किया है। बाद में सही सही जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग इंदौर से सनावत वहाया बूंदी होकर हरसूद जा रहे हैं। यहां हरसूद से बहन को बिठाकर भोपाल ले जाना है। फर्जी बारात और फर्जी दूल्हे का मामला उजागर होने पर एसडीएम ने कथित दूल्हे पर 5,000 का जुर्माना किया। यह राशि तत्काल वसूली गई और चेतावनी दी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करें। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। नहीं, इसके लिए कल बैठक हुई थी विधायक जी की अध्यक्षता में, तो उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि मुंदी में 10 दिन लॉकडाउन रहेगा। उसी का हम पालन करवाने आज निकले थे, तो आज थोड़ी सी सख्ती दिखाई गई है ताकि लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। भीड़ में भी हम कार्रवाई किए हैं, एसडीएम सर स्वयं आकर पूरे शहर में हम लोग घूमे हैं और सख्ती से पालन करवाएंगे। और सर, ये मुंदी में कुछ दुकानदार आदि शटर खोल के ग्राहकों को अंदर करके खरीदी बिक्री कर रहे हैं, सर कैसे इनको रोक पाएंगे इनको? इनके लिए भी हम टीम हमारी दिन रात लगी हुई है और दो दुकानें आज हमने सील भी करी हैं, जुर्माना वसूला गया है और धीरे धीरे जैसे जैसे जो लोग आते आएंगे दिखते आएंगे अपराध होगा वो कायम ही करेंगे। अभी हम लोग ने तो 2500 का चालान काटे हैं, बाकी अभी पुलिस विभाग के द्वारा अलग चालान की कार्रवाई की गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।